एमसीएचआर यूथ द्वारा द बिग लीप कॉन्फ्रेंस एवं सेमिनार का आयोजन वाशी में किया गया था, जहां बैंकर, ब्रोकर एवं बिल्डर्स इन 3B को एक ही मंच पर लाया गया था, जिनके बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें महारेरा महाराष्ट्र के प्रमुख अजॉय मेहता प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद थे। साथ ही मौजूद थे IAS रिटायर्ड राधेश्याम मोपलवार, क्रेडाय MCHI नवी मुंबई यूनिट के अध्यक्ष विजय लखानी, प्रजापति कंस्ट्रक्शन के MD राजेश प्रजापति, पैराडाइज ग्रुप के व्यवस्थापकीय संचालक मनीष भतीजा, यूथ विंग के अध्यक्ष हितेश जैन, उपाध्यक्ष इजराइल शेख, मोराज इंफ्रा के व्यवस्थापकीय संचालक प्रिया गुरनानी के साथ विभिन्न क्षेत्र से जुड़े मान्यवरों ने अपने विचार इस दौरान व्यक्त किए। इस दौरान मान्यवरों ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। नवी मुंबई का भविष्य सुविधाओं में बेहतर हो रहा है, राधेश्याम मोपलवार। निवृत्त IAS अधिकारी राधेश्याम मोपलवार ने क्रेडाय MCHI यूथ द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले समय में नवी मुंबई एयरपोर्ट, मेट्रो जैसी सुविधाएं संचालित होगी, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट की सुविधा में नवी मुंबई का भविष्य और बेहतर होगा। बिग लीप का ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें नॉट ओनली द रियल एस्टेट, लेकिन रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, चैनल पार्टनर्स, इंडस्ट्री पार्टनर्स, इंक्लूडिंग द सर्विस प्रोवाइडर्स, एवरीबडी इज ऑन वन स्टेज। बहुत सारे इसमें पैनल डिस्कशंस भी आज हुए हैं और विचारों का आदान प्रदान मुझे लगता है कि इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे विजन बिल्डिंग में। मैंने कहा कि जैसे एयरपोर्ट जब आता है वो एरिया कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। यहाँ का एयरपोर्ट जब दो साल में यहाँ का ऑपरेट हो जाएगा, यहाँ की मेट्रोज ऑपरेशनलाइज हो जाएगी, क्योंकि मेट्रो सिर्फ मुंबई में नहीं आ रही तो पूरे MMR रीजन में, यानी थाने, भिवंडी, कल्याण, डुम्बेली, वहाँ से पेंडार, तलोजा विच इज़ पार्ट ऑफ नवी मुंबई और बेलापुर, इस सब एरिया में जब मेट्रो आ रही है तो ये सब एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सुविधाजनक होगा और लोगों का लाइफ बहुत ही टॉलरेबल और बहुत ही अच्छा रहेगा। सो ये एरिया लोगों के लिए बहुत ओपन अप रहेगा। द बिग लीप के माध्यम से रियल एस्टेट क्षेत्र में आएगा उछाल, विजय लखानी। क्रेडाय MCHI के नवी मुंबई यूनिट के अध्यक्ष विजय लखानी ने कहा कि कोरोना के बाद नवी मुंबई में रियल एस्टेट क्षेत्र में उछाल आया है और निश्चित तौर पर यह मार्केट आसमान की बुलंदियां छुएगा। द बिग लीप बहुत बड़ा नाम है और आज इस प्रोग्राम में आने के बाद सब लोगों को लगा होगा कि जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा काम हुआ है। ये इतनी पब्लिक इस बात की विटनेस है कि रियल एस्टेट में जो पहले कहा जाता था काफ़ी दिन से कि बहुत ही स्लो चल रही है, तकलीफ है, बिकती नहीं है, आज का क्राउड बताता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें वापस नॉर्मल हो गई हैं। बट मैं कहूँगा कि नॉर्मल से भी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। जिन लोगों को बहुत टाइम से इंतज़ार था, प्रॉपर्टी बेचने वालों को या प्रॉपर्टी परचेज करने वालों को, और ऐसी टाइप के जो प्रोग्राम्स हमारे बिल्डर एसोसिएशंस करती हैं, हमारी MCHI नवी मुंबई ने जो प्रोग्राम किया, हमारे साथ बाकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ी हुई हैं, ये इसीलिए होती हैं कि लोगों को जो चीज़ों का पता नहीं है वो पता चले, अवेयरनेस आनी चाहिए। बगैर अवेयरनेस के लोग यही समझ के बैठे हैं कि अभी तक मार्केट वैसी चल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कितने टेंडर्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, मार्केट सपोर्टिंग है, बैंक्स फंडिंग वाले सब सपोर्ट दे रहे हैं, और इस हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि मार्केट बीच में कोई ख़राब हुई थी। हमारी एसोसिएशंस मिलकर जब काम करती हैं इसीलिए करती हैं कि लोगों को अवेयरनेस भी आनी चाहिए और बिजनेस बढ़ना चाहिए। नवी मुंबई हाउसिंग क्षेत्र का सबसे बड़ा मार्केट, मनीष भतीजा। पैराडाइज ग्रुप के व्यवस्थापकीय संचालक मनीष भतीजा ने इस दौरान कहा कि नवी मुंबई का वो टाइम आ गया है जहां हर कोई अपना रुख नवी मुंबई की ओर कर रहा है। नवी मुंबई हाउसिंग क्षेत्र का सबसे बड़ा मार्केट बनकर सामने आएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। ये बिग लीप जो है ये फर्स्ट इनिशिएटिव है नवी मुंबई का, और अब नवी मुंबई का वो टाइम आ गया है कि हर लोग नवी मुंबई की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि नवी मुंबई मार्केट सबसे ज़्यादा डिमांडिंग मार्केट है हाउसिंग सेक्टर का। हर आदमी नवी मुंबई में अपना आशियाना बनाना चाहता है और आज उसकी ये रिजल्ट है कि पूरे बैंकर्स, महाराणा के हमारे माननीय मेहता साहब, वो सब लोग यहाँ पर आज आए
और इस प्रोग्राम के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो नेटवर्किंग होगी बैंकर्स की और लोगों की एक दूसरे के साथ में, तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है बिल्डर्स के लिए। और आने वाला समय, जैसे कि आपको पता है कि अक्टूबर महीना स्टार्ट हो चुका है, ये सबसे सीजन टाइम है बिज़नेस के लिए। आने वाले 4-5 महीने जो है वो बिल्डर्स के लिए एकदम सुपर जाने वाले हैं। मतलब बिज़नेस तो अभी खुल चुका है, आप लोगों को पता है कि मार्केट में तेज़ी आ चुकी है, और आने वाला समय इस बिग लीप के जरिए, इस तरीके की प्रमोशंस के जरिए बिज़नेस को और बढ़ावा देगा। सो आई एम वेरी थैंक्स टू ऑल दिस प्लेयर्स जिन्होंने इसमें योगदान दिया है इस लीग को आगे बढ़ने के लिए। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के साथ नवी मुंबई भविष्य में बड़ी उड़ान भरेगा। राजेश प्रजापति। आज नवी मुंबई की पहचान आधुनिक शहरों में की जाती है। नवी मुंबई में ट्रांसपोर्ट की सुविधा काफी बेहतर है और भविष्य में और भी कई सुविधाएं इससे जुड़ने जा रही है। इसलिए ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के साथ नवी मुंबई भविष्य में और उड़ान भरेगा, ऐसा विश्वास राजेश प्रजापति ने व्यक्त किया। देखिए, नवी मुंबई जो सिटी है वो एक बहुत बड़ी उड़ान भरने वाला है। वो आज जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे होने वाले हैं, जैसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक एयरपोर्ट, JNPT का SEZ जो आने वाला है, ये सारी चीज़ें नवी मुंबई को एक अलग लेवल पे लेके जाने वाली है। तो इसलिए ये जो बिग लीप हमने ये रखा है कि लोगों को पता चले कि नवी मुंबई किस डायरेक्शन, किस दिशा में उसकी बढ़ोतरी होगी, और उस तरीके से नवी मुंबई का जो एक परसेप्शन है कि दूर कहीं एक सिटी है, उसके बदले वो एक कनेक्टेड सिटी है। उसमें सभी कुछ है, रोड है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, और उरन वगैरह में और यहाँ पे नेरुल में भी समुद्री सी ट्रांसपोर्ट भी है। तो इसलिए नवी मुंबई एक बहुत बड़ी उड़ान भरने वाला है, और इसलिए आज हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया था एक सेमिनार, जिसमें सभी को बुलाया था, बिल्डर्स, बैंकर्स, ब्रोकर्स, 3B एंड प्लस जो सप्लायर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, उन सबको हम लोगों ने यहाँ पर इनवाइट किया, ताकि उस बिग लीप में हर एक व्यक्ति का लीप हो सके। नवी मुंबई ग्रोथ सेंटर, प्रिया गुरनानी। मोराज इंफ्रा की व्यवस्थापकीय संचालक प्रिया गुरनानी ने कहा कि कोरोना के बाद पहली बार इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, एवं भविष्य में नवी मुंबई एक ग्रोथ सेंटर बनेगा। ये कॉन्फ्रेंस बहुत टाइम के बाद एक फिजिकल कॉन्फ्रेंस ऐसा हुआ है। बैंकर्स, डेवलपर्स और CPs जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, सब स्टेक होल्डर्स को एक जगह पे इकट्ठा करके सबको नॉलेज दिया जा रहा है, और नवी मुंबई में क्या क्या हुआ है, क्या क्या होने जा रहा है, हाउ नवी मुंबई इज़ द ग्रोथ सेंटर नॉट ओनली फॉर द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन बट फॉर महाराष्ट्र एंड फॉर द GDP ऑफ इंडिया, इसकी पूरी यहाँ पे सबको इन्फॉर्मेशन दी गई। आने वाले समय में युवा नवी मुंबई के सुंदरता को रखेंगे बरकरार, हितेश जैन। नवी मुंबई क्रेडाई MCHI के यूथ अध्यक्ष हितेश जैन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आने वाले समय में युवा नवी मुंबई की सुंदरता को बरकरार रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये बिग लीप इवेंट हमने इसलिए बनाया कि नवी मुंबई का जो इकोसिस्टम है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, वो सालों साल इसीलिए इतना बढ़ पाया है क्योंकि यहाँ के चैनल पार्टनर्स, यहाँ के एवर ग्रोइंग डेवलपर्स और यूथ, जो एक हमारी आने वाली जनरेशन है जो यहाँ पे सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन करना चाहती है और नवी मुंबई की ब्यूटी को मेंटेन करना चाहती है, इसके लिए सभी का एक साथ में इकोसिस्टम में डेवलप होना ज़रूरी है। सबके विचारधाराएं एक दूसरे से मिले और हम नवी मुंबई को आने वाले सदी में और ब्यूटीफुल और सक्षम बनाए, इसलिए ये इकोसिस्टम और ऐसे इवेंट्स हम करते रहेंगे और ट्रांसपेरेंसी एक मार्केट में रखेंगे कि नवी मुंबई में जितना भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट है कंज्यूमर सेंट्रिक है, कंज्यूमर्स की सोच को देखें हम सब डेवलप कर रहे हैं। द बिग लीप, ये कार्यक्रम नवी मुंबई के लिए बेहतर, इजराइल शेख। क्रेडाई MCHI द्वारा आयोजित द बिग लीप, इस कार्यक्रम के आयोजक इजराइल शेख ने कहा कि इस कार्यक्रम में सभी क्षेत्र से जुड़े तज्ञों को आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने अपने विचार लोगों के सामने रखे, एवं ये कार्यक्रम नवी मुंबई के लिए बेहतर साबित होगा, ऐसा विश्वास भी उन्होंने व्यक्त किया।
सबसे पहले आप सब, मैं मीडिया कर्मी भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूँ। आप लोग ने अपना कीमती समय नवरात्रि में निकाल के आप लोग आए हैं। मुझे मालूम है बहुत से लोग का फास्टिंग भी होगा, लेकिन आप लोग आए इसके लिए शुक्रिया। जो ये बिग लीव इवेंट हमने रखा है, फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट है जिसमें बिल्डर, बैंकर, ब्रोकर और एंसिलरी इंडस्ट्री को हमने एक साथ, एक बोलते नहीं, एक साथ हमने सभी को इनवाइट किया है। पहली बार हमने ये कोशिश की है कि हम सब लोग एकत्रित होके नवी मुंबई के हित के लिए काम करें। नवी मुंबई को हमको आगे बढ़ाना है, नवी मुंबई को हमको प्रमोट करना है एक सस्टेनेबल सिटी की तरह, जिसमें से ये चारों पांचों लोगों का योगदान बराबर होना ही चाहिए, उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। जैसे आपने देखा होगा, महारेरा चीफ अजय मेहता साहब आए थे और मोपलवार साहब भी आए हुए थे। इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई है, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।